डक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। यूथ ब्रिगेड, जी हाँ, नाम सुनते ही लगता है कि कुछ ख़ास है और कुछ जोश है। आज के इस कोरोना काल में जहाँ चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे में ही मुदखेड़ के यूथ ब्रिगेड ने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया और लगभग 200 लोगों ने इन नौजवानों का हौसला अपना खून देकर बढ़ा। इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन कुरान की आयतों की तिलावत के साथ हुआ। यह रक्तदान शिविर का आयोजन आज यहां के निकट रेलवे स्टेशन रोड मुदखेड़ मदीना मस्जिद के सामने किया गया। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप पुगारे, पुलिस निरीक्षक महेश शर्मा, खाजी लतीफ साहब कासमी, उपाध्यक्ष जमीयत उलेमा नांदेड़ सलीम देशमुख, नगर परिषद के मुख्य प्रतिनिधि दिलीप पवार, यूथ ब्रिगेड के निदेशक फरहान देशमुख, यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष सोहेल अदाबी, सलाहकार शहजान अहमद, पूर्व अध्यक्ष और भूतपूर्व सैनिक लक्ष्मण देवदे, मदीना मस्जिद के धार्मिक नेता हफीज मोहसिन सिद्दीकी, नगर सेविका प्रतिनिधि बबलू सेठ, नगर सेविका प्रतिनिधि अब्दुल सलाम, डॉक्टर मोहम्मद मुजीब, नगर सेविका प्रतिनिधि मुजीब पठान, अध्यक्ष मदीना मस्जिद मोहम्मद यूसुफ, उपाध्यक्ष शौकत पठान, हाजी इब्राहिम पहलवान, शेख महबूब भाई, शेख रफीक और अन्य स्थानीय पत्रकार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन निर्देशन फरहान देशमुख और पत्रकार अतीक अहमद ने किया। कार्यक्रम में आभार पत्रकार संजय कोलते ने व्यक्त किया। मुदखेड़ से अब्दुल रजाक की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्र के लिए हम अपने खून का खतरा ही नहीं बल्कि इस मुल्क की सालिमियत, यहाँ के होने वाले इत्तेहाद और इसकी बका के लिए हम अपनी जान का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। बहुत रक्तदान आणि मी ज्या क्षेत्रातून आलो, मी सैनिक पेशातला माणूस आहे। रक्तदान हे जातीला धर्माला बघून कोणाचा उपयोगी पडत नाही, तसंच सैनिक सुद्धा जात धर्म बघून सेवा करत नाही। जे डोनर्स आलेले आहेत तर त्यांचं सर्वप्रथम मी आभार मानतो। रक्त देऊन तर मला सगळ्यांना आवाहन करायचं आहे की प्रत्येकाने जे ज्याचं वय वजन 50 वर्षाच्या वर आहे, हे असे सद्यवा 60 वर्षाच्या आत आहे, असे सगळे जे यूथ आहेत त्यांनी रक्त द्यावं। रक्त दिल्यामुळे मी एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट म्हणून सांगतो की आपणास कोणतंही म्हणजे कमतरता येत नाही, वीकनेस येत नाही किंवा आपलं रक्त शरीरातलं कमी होत नाही, उलट नवीन रक्त म्हणजे तयार होतं आपल्या शरीरामध्ये। आणि यूथ ब्रिगेडच्या तरफ से जो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया आहे, नाम ही उसका यूथ है और उसमें काम करने वाले भी यहाँ पे सब यूथ ही दिख रहे। ये बहुत अच्छी बात है, यूथ ने पुराकार लेके कोई भी एक चीज अच्छा काम करने का कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं सबका मुबारक अदा करता हूँ। पहले मैं यूथ ब्रिगेड को प्रेजेंट करना चाहूँगा आप तमाम के सामने कि यूथ ब्रिगेड एक जिनमें ऑल जो स्टूडेंट्स है, यंग वंस है, वो अपने बहुत काम करते हैं, अंजाम देते हैं अपने समाजी और मिली बेदारी का।